पांचवी गेम पे चौका ना आता तो पाकिस्तान मैच भी जीत जाता और पाकिस्तान फाइनल में भी चला जाता। बट कभी कभी क्या होता है ना कि हम तो चलो न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं और अब आपको बात इसलिए भी करनी है क्योंकि एशिया कप का फाइनल आपको जीतने वाली टीम के साथ खेलना है, प्लस आप अगले साल वर्ल्ड कप की, अगले महीने वर्ल्ड कप की भी तैयारी कर रहे हो, तो पाकिस्तान को आप असेस कर रहे हो। पाकिस्तान की भी देखिए अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है कि दो प्रीमियर फास्ट बॉलर उनके चोटिल हुए, हारिस राउफ चोटिल हुए और नसीम शाह चोटिल हुए, और वो अलॉन्ग विद शाहिद अफरीदी एक ट्रायो बन रहा था, इतना जबरदस्त वो बन रहा था। ठीक है, अब उनके पास दो नए फास्ट बॉलर आए, ठीक है तजुर्बा नहीं था, ऑब्वियसली वो रिप्लेसमेंट भी नहीं थी, फिर ये भी आप कह सकते हैं ना सलमान आगा उनके फर्स्ट प्रेफर्ड बैट्समैन थे, उनको चोट लग गई, फिर आज आपके इमाम राहुल के जो दोस्त है इमाम, उनको आज बैक स्पैज़म हो गया, फखर अनफॉर्चुनेटली उनका लगातार वो चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। सो कभी कभी क्या होता है ना कि आपका सब कुछ क्लिक कर रहा होता है, एक हल्का सा जो बटन इधर से उधर होता है, एक हल्का पेच इधर से उधर ढीला होता है, एंड देन एवरीथिंग कोलैप्सेस। वहां पर क्या काम आता है, वहां पर काम आता है आपका बेंच स्ट्रेंथ। ये इंग्लैंड में बहुत अच्छा है, ये ऑस्ट्रेलिया में बहुत अच्छा है, शायद हमें नहीं पता, हमारा अभी हालिया तो टेस्ट हुआ नहीं, जब टेस्ट होगा तो पता चलेगा, इससे पहले T20 में जब टेस्ट होता था तो हम भी फेल हो जाते थे। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान को भी ये देखना होगा कि क्या सीख के जाएंगे। एशिया कप जब पहला इंडिया का मैच था 2 तारीख को और जब हमारे 4 आउट हो गए थे, मैंने उस वक्त भी कहा था, मैंने कहा यार ये बिगिन ऑल एंड ऑल नहीं है, ये एक इंडिया वर्सेस पाकिस्तान 2 सितंबर को साल की सबसे बड़ी क्रिकेट नहीं है, 2 सितंबर को एक ऐसे कैंपेन का आगाज है जो 2.5 महीने बाद खत्म होना है वर्ल्ड कप के एंड तक। तो मैंने कहा था हो सकता है 2 सितंबर चलो रिजल्ट नहीं आया, जो टीम मैच जीतती जरूरी है कि वही एशिया कप भी जीतती और जरूरी है कि वही वर्ल्ड कप भी जीत, लेकिन ये एक प्रोसेस था। आई थिंक पाकिस्तान केम द बेस्ट प्रिपेयर्ड, सबसे बेस्ट प्रिपेयर्ड आए वो इस एशिया कप में, लेकिन मैं फिर से वही 2-3 बातें कहूंगा, प्लेयरों ने तो नहीं बोला अभी तक, और ये प्लेयर्स अनफॉर्चुनेटली ठीक है मैं समझता हूं कि कप्तान के पास लिमिटेड ऑप्शंस हो गई थी, बॉलर्स नहीं थे और बहुत कुछ था, व्हाट हैज ऑल्सो गॉन अगेंस्ट देम जो ये हाइब्रिड मॉडल था। अब तो कहा जा सकता है ना, कभी कभी क्या होता है आप कुछ बात कहते हैं हालात बदल जाते हैं, तो बाद में आपको लगता है अरे यार तू ऐसी बातें बोल रहा था, आज पाकिस्तान जीत जाता, हो सकता है एशिया कप जीत जाता, तो हम ये कहते हाइब्रिड मॉडल का टीम को नुकसान हुआ तो लोग हमें हमारा मजाक उड़ाते। गो एंड आस्क द टीम, टीम तो नहीं बोली, टीम को जाके आप पूछिए कि यार आपको हाइब्रिड मॉडल कैसा लगा। मैं फिर कहता हूं पाकिस्तान एज कंट्री, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दोनों को बड़ा फायदा हुआ होगा, क्योंकि एक स्टेटमेंट उन्होंने बोली कि उन्होंने दी कि जी हमने पाकिस्तान में मैच कराए, अपनी टीम को पूछिए, ये टीम को आप मतलब वो टीम श्रीलंका में खेल रही थी, फिर एशिया कप पहले मैच के लिए यहां से फ्लाइट लेके वो लाहौर गई, लाहौर से मुल्तान आए, वहां मैच खेला गर्मी में, फिर फ्लाइट लेके बेचारे श्रीलंका आए, श्रीलंका में मैच खेला है वो पले केले वाला हमारा, और फिर बेचारे फ्लाइट लेके फिर चले गए पाकिस्तान, वहां पर लाहौर में मैच खेला, फिर फ्लाइट लेके वापस आ गए। है तो इंसान ही ना यार, फास्ट बॉलर गर्मी, और मैं खुद बता रहा हूं, मैं यार एक दिल्ली से फ्लाइट लेके कोलंबो आया और एक फ्लाइट में इतना थक गया 3.5-4 घंटे की फ्लाइट में कि मैं 5 दिन से बीमार पड़ा हुआ, इतनी गर्मी में आपको रिकवरी नहीं मिलती, और वो लोग तो खेलते हैं यार। तो दिस इज ऑल्सो नॉट हेल्प देम बाय द वे कि जी हाइब्रिड मॉडल करा लो, हाइब्रिड मॉडल करा लो, अब उनकी टीम का नुकसान हो गया। ये एशिया कप एक जगह पे होना चाहिए, और आप जानते हैं यार ये पाकिस्तान में नहीं हो सकता था, ये लोग कहते हैं जी दुबई दुबई दुबई, और दुबई में 50-50 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है यार, यहाँ पे तो 2-3 टीम इंजर्ड हो रहे हैं, दुबई में हो रहा था तो मतलब 50-50 प्लेयरों की आपको वहां पे भेजनी पड़ती टीम। सो एक जगह था, एक जगह करने देते, आप इस टूर्नामेंट को जीतते, फिर टूर्नामेंट जीतने के बाद आप वर्ल्ड कप जीतने के लिए जाते। अब क्या है, अब हो सकता है ये बिखर ही गए हो,